हेलो गाइस, कैसे हो सारे लोग। गाइस, मैं तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि CWL वीडियो आएगा आएगा आएगा, सो मैंने कहा था। और तुम लोग बहुत लोग कह रहे थे भाई CWL वीडियोस कब आएगा कब आएगा, क्योंकि CWL आने वाला नहीं CWL। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो जनवरी का CWL कैसा किया था हमारे साथ, वो मैं दो वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे ए के तरफ। हम लोग हुए थे नंबर दो। क्या क्या हुआ, वार हारे या जीते, तुम कैसे हारे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में चलो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम लोग फर्स्ट वार में जाते, फर्स्ट वार हम लोग हार गए थे। किस लिए पता था, क्योंकि हम लोगों ने मतलब जो बेसिस सेट किया था, मतलब जो बेस दिया था वो लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने लास्ट में बेस दिया था यवन भाई को, इसलिए। और मेरा जो बेस था, मैंने सोचा था इसके लास्ट सीजन में जो हमारे साथ KR का मैच मिला था, मतलब नाइट राइडर एजाज भाई का क्लैन, ठीक है, उसमें एजाज भाई का अटैक डिफेंट हो गया था मेरे बेस में, इसलिए मैंने सोचा था बेस चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मैंने करा भी नहीं था। और देखा, इस बंदे ने फेल दिया मुझे। कैसे फेला था, कौन सा बेस था तुमको दिखा था जिसमें एजाज भाई फेल किया था, ये बेस सोच सकते हो, ये बेस एजाज भाई फेल किए थे। उसने गलत किया, मतलब उसने पूरा प्रॉपर एक के साथ किया था, उसने गलत किया था एजाज भाई ने, मतलब एक क्लोन कम लिया था, इसलिए TH बच गया था और वन स्टार हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था इसको ही लगाता हूँ, बट इसने फुल कर दिया, कोई नहीं। और ये जो क्लैन देख रहे हो ना, हम लोग को हरा दिया, और ये क्लैन उतना भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट थोड़ा मीडियम परफॉर्मेंस किया है इस बार इसने। और हमारे क्लैन ने कैसे अटैक्स किए, बहुत ओपी अटैक्स आने वाला है अपकमिंग में। आप लोग सोच रहे हो कि फर्स्ट राउंड ही हार गए कौन सा ओपी अटैक आएगा, तो आएगा भाई, वेट करो थोड़ा सा। देखते ही ये बेस ट्रिपल कर दिया था ओपोनेंट से। ठीक है, हमारे बंदे ने एक मतलब आदि लव कैरी, ठीक है, इस बंदे ने थ्री स्टार किया था। ठीक है, इसका अटैक में इस वार में दिखाता हूँ कैसे किया था। इसने किया था ED, देख सकते हो, और आदि लव कैरी कुछ जाना पहचाना सा नहीं रख रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि ये कैरी स्पोर्ट्स का बंदा है। ठीक है, इसलिए इसको जाना पहचाना लग रहा है आप लोगों को, हो भी सकता है आप लोगों को जान पहचान भी हो सकता है। ये कर रहा था ईडी, पहले इधर ईगल को टेकडाउन करने के लिए, और स्टोन स्लैमर के साथ बंदे का कॉन्फिडेंस देखो क्या मिल जाएगा, और पॉइजन टावर उसी के साथ RC TA सब कुछ मिलता है, और क्वीन से जो अच्छा वैल्यू निकाल रहा है, और किंग बहुत ओपी वाला। और इसने मतलब पेट कॉम्बो भी न्यू नहीं हो गया, ओल्ड पेट कॉम्बो यूज कर रहा है, जो भी हो देखो ऐसे बेस को ट्रिपल करते हैं। ये बेस आजकल का जो एम है बहुत कॉमन बेस हो गया है, तो आप लोग जरूर से इस बेस को यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते कोई तो उड़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, हम लोग अब डेट टू पे चलते हैं। ठीक है, डे वन में हम लोग तो देखा कि हम लोग 31 से हार गए। डे टू में हम लोग ने क्या किया, 36 कर दिया गाइस, सोच सकते हो। हम लोग ने डे सिक्स में ओपोनेंट से इतना पेला क्या ही बोलो। मैं दिखाना चाहता हूँ सैयद भाई का अटैक। ठीक है, जो सैयद भाई बहुत ही अच्छा अटैकर है, और बहुत ही वर्सेटाइल अटैकर है, मतलब हाइड्रा का बहुत वर्सेटाइल अटैकर है। इसने किया था इसमें हाइड्रा क्लोन के साथ। हाइड्रा क्लोन का अभी भी क्या बोलूँ, चलता है बहुत कम। ठीक है, बहुत लोग कह गया नूब मेटा है, स्पैम मेटा है, बट इसने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन किया था, मतलब TH मिल गया, और उसने मतलब हाइड्रा ने पूरा बेस का पूरा आधा हिस्सा ही खा लिया, और किंग क्वीन RC तो पूरा बेस ही खा लिया। देख सकते हो ना, परफेक्ट एग्जीक्यूशन रहे तो हर एक आर्मी काम कर सकता है। ठीक है, तो देखते ही देखते ऐसे बेस ट्रिपल हो गया। ये बेस आया तो कभी CWL में फेल देना। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट अटैक की तरफ। हमारा बेस भी डिफेंड हुआ था, सोशल 0 स्टार हो गया। आप लोगों को ये बेस चाहिए क्या, जरूर से कमेंट पर बताना, मैं ये बेस दे सकता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो पे 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना, आप लोगों के लिए ये बेस लेके मैं आ जाऊँगा। ठीक है, 1 hour later गाइस, फिर से आ चुका है हम। अब इस बार दिखाने वाले हैं लिथल भीस का अटैक, जो भीसू भाई ने किया था। हम मतलब उसने किया था नंबर 11 पर लेक्टो टाइटन के साथ सुपर आर्चर क्लोन। कैसे किया था मैं आज दिखाने वाला हूँ। वो पहले किया था इस एडी में एक लावा डाल दिया, जिससे डीम को टैंक कर पाए। ठीक है, 2x4x4 में देखते डीम को डाल दिया, फिर इनवी क्लोन रेज सब कुछ डाल दिया, और TH मिल जाए तो इस आर्मी में बहुत ईजी हो जाता है। फिर आपको पार्टिंग के ऊपर ये करते हैं, मतलब एक ये डाल दिया और एक क्विश डाल दिया, और किंग क्वीन आर्मी पूरा डाल दिया, कोर में पूरा आर्मी चला गया। देखो आर्मी जाती ही पूरा कोर में बवाल कर जा रहा है, मतलब RC मल्टी स्कैटर सब कुछ मिल गया, देख सकते हो ना गाइस। तो देखते देखते इस बेस को फेल दिया गाइस, ऐसा बेस आया तो इस तरीके से इस बेस को उड़ा देना। ठीक है, चलो
हाँ मैं हर एक अटैक को कवर नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर से आप लोग शॉर्ट्स को चेकआउट करना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाओ। आप लोग हर लोग वीडियो देखते हो बट कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते, विदाउट सब्सक्राइब में आप लोग वीडियो देख चले जाते हो, बहुत बुरा लगता है भाई। बहुत मेहनत से बनाते हैं इस वीडियो को। चलो और एक अटैक दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ ड्रैकुला भाई का, ठीक है। इस ड्रैकुला भाई ने किया था सुपर आर्चर क्लोन इलेक्ट्रो टाइटन, ये बहुत ही प्रो मेटा है। उसने पहले क्या किया, दो लून डाला एक आर्चर डाला, जिससे किसी में इलेक्ट्रो टाइटन रहा तो ये खोपचे में चला आएगा, ठीक है। 4x स्पीड में देख लेते हुए क्लीम डाल दिया वार्डन से, और TH मोनोलिथ सब कुछ लेने की कोशिश किया, मिल भी गया है और स्कैटर भी मिल गया। देखो पूरा बेस ही खा लिया हाफ हिस्सा। फिर आर्मी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो वार्डन के साथ भी ना रहे तो ये आर्मी फुल कर देता है। इस आर्मी का यही कमाल चीज़ है, और सिंगल बेस में कभी भी इस आर्मी को ट्राई मत करना, काम नहीं करेगा, ठीक है। और देखते ही देखते देखो पूरा बेस का एक कवर कर दिया, मतलब जो इस आर्मी को एक कर लेगा, मतलब मतलब के पूरा हाथ के मुट्ठी में कर लेगा, वो हर एक बेस को पेल सकता है, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वार की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वार में नंबर 3 वार NPC नाम का, ये क्लैन बहुत ही अच्छे पेल रहा था फास्ट में। हम लोग डर ही चुके थे कि हम लोग हार ना जाए, फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने हमारा कमाल दिखा, ठीक है। और मैं दिखाने वाला हूँ वारियर भाई का अटैक, ठीक है। वारियर भाई ने कैसे अटैक किया था आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसने किया था हाइड्रा के साथ अटैक किया था, ब्लिज़र्ड हाइड्रा एक हिल स्पेल के साथ। आप लोग कहोगे हिल स्पेल क्यों लिया भाई, हाइड्रा में कभी हिल स्पेल लगता है? हाँ लगता है, जो देखो ब्लिंक लेगा और एक हील डाल देगा, जो पॉइजन गिरा है ना उसको मतलब रिकवर करते रहेगा विज़र्ड को, जिससे विज़र्ड वैल्यू ले पाए। क्यों किया पता है, इसमें स्कैटर मिल रहा था, देखो स्कैटर मोनोलिथ सब कुछ मिल रहा था, क्यों नहीं करेगा बताओ। इसलिए एक हिल स्पेल दिया था ना, 4x स्पीड में देख लेते ब्लिज़र्ड से परफेक्ट वैल्यू लिया, और हाइडर स्टार्ट कर दिया इधर साइड से, किंग क्वीन डाल दिया, ईगल को किंग क्वीन से लेने की कोशिश किया IG के साथ, और RC को घुस गया, सिंगल ले लिया, और इसी के साथ ही साथ बेस पूरा बेस के अंदर पूरा हीरो घूमते रह रहा है, ठीक है। और देखते देखते इजी पीजी पेल दिया इस बेस को। जो भी बोलो हाइडर बेस अभी भी फॉर्म में है, जो कर सकता है, बहुत अच्छा आर्मी है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अटैक की तरफ, ठीक है। रात में सूट कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना गाइस। और फिर दिखाने वाला आयुष भाई का अटैक, ठीक है। आयुष भाई ने किया था ED के साथ अटैक, ठीक है। ये बंदा ED करता है, हाइडा ब्लेजर करता था एक टाइम में, TH14 टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हाइडा ब्लेजर पेलता था। मेरे इंस्टाग्राम में उसका अटैक भी पोस्ट किया था, आप लोग जरूर से मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, उसमें बहुत सारे अटैक्स वीडियो पोस्ट करता है और मीम्स की। और इसने इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल लिया इस साइज से, और वार्डन एबिलिटी के अंदर ब्लिम डाल दिया, और TH मिल गया, और ED घूमते रहे, और ईगल सिंगल इन्फ्लुएंस सब कुछ मिल गया ED से, और ईगल मतलब इलेक्ट्रो जो बाहर गया ये बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो घूम के पूरा बेस को पेल दिया, RC से क्वीन को ले लिया, और मल्टी मिल गया, देखते देखते ये बेस ट्रिपल हो गया। चलो बढ़ते हैं हमारे और एक अटैक दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखते चलो नेक्स्ट राउंड में दिखाता हूँ। और भी अटैक से दिखाना पड़ेगा ना मेरी जान। ये वार हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ था, क्योंकि ये क्लैन मतलब फास्ट में हम लोग को इतना पेल दिया, मतलब फास्ट में हर एक अटैक 3-star कर दिया। हम लोग के ऊपर एक क्या ही बोलूँ, बहुत दबाव आ गया था। हम लोग वार जीते के या हारे के, हम लोग 1-star के ऊपर 1-star करते जा रहे हैं, एक 1-star हो गया, इसके वजह से हम लोगों के ऊपर और भी प्रेशर आ गया फास्ट अटैक में। तो मैंने सोचा क्या करा जाए, तो मैंने सोचा कि ठीक है जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तो मेरे टीम को ट्रिपल की ज़रूरत है, मतलब 4 बंदों ने ट्रिपल किया था, ठीक है, मतलब 5 बंदों ने किया था, ठीक है। मैंने ट्रिपल किया था क्या, मतलब मेरे टीम को ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि मुझे फास्ट में ट्रिपल करना पड़ेगा। तो मैंने अटैक किया था, कैसे किया था, ब्लिज़र्ड हाइड्रा के साथ। इस फेस को आपको दिखा चुका हूँ तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को अदर्स अटैक दिखाता हूँ, ठीक है। सवाई, ठीक है, सवाई भाई ने किया था ED के साथ अटैक। ये कहोगे ED प्लेयर है ना क्या आपके क्लैन में ज़्यादातर? हाँ ED प्लेयर भी है, हर एक टाइप के अटैक है। और उसने फर्स्ट में TH मिल गया NPC से, और इलेक्ट्रो पूरा घूम गया पूरा पेस के अंदर, किंगक्वीन के साथ भी ले लिया, तो काम ही हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इस वेस को पेल दिया। देखते देखते ये वेस ट्रिपल हो गया।
और एक अटैक दिखाना चाहूँगा जो आशीष भाई ने किया था बॉक्स पिस के ऊपर ईडी। सोच सकते हो बॉक्स पिस के ऊपर ईडी, मतलब ये बहुत ही फेल हो रहा था। एक बार हम लोगों ने ट्राई किया था, फेल हुआ। इसने क्या किया, एक ईडी डाल के टीएच लेने की कोशिश किया। उसने एक इनवी लिया, फिर इनवी डाल दिया, जिससे टीएच का इनवी ख़त्म हुआ। फिर से उसने उसका इनवी डाल दिया और पूरा का पूरा टीएच मिल गया। और फिर से आर्मी स्टार्ट कर दिया पीछे से, इस साइड से आर्मी स्टार्ट कर दिया। देखो आर्मी पूरा किंग कोर में चला गया था, मतलब टैंक कर रहा था पूरा आर्मी को। और देखते देखते ये बेस पेल दिया आशीष भाई ने। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट पर बताना, और मैं कोशिश करूँगा और भी मस्त वीडियो लाने की। और सेकेंड CW वीडियोज भी आ रहा है जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। मुझे पता है ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो न्यू हो सब्सक्राइब कर देना।